तो चलिए अब आप मंडे को भूल जाएंगे जब आप बनाएंगे आज की ये शानदार सब्जी एकदम ढाबे स्टाइल में। मम्मी बना रही है। सबसे पहले सरसों का तेल लिया है सरसों मम्मी, का तेल लिया मैंने, हींग यानी कि एसाफोइटिडा, ये जीरा डाल दूंगी मैं, जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, अदरक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, और सरसों का तेल लेना कंपलसरी है इसमें। सरसों के तेल में अच्छी बनती है बैंगन की सब्जी, इसलिए लिया है। आप कोई से भी तेल में ले सकते हैं। और देखिए ढाबा स्टाइल बना रहे हैं ना तो सरसों का तेल तो बेस्ट रहेगा। अभी एक मैंने अनियन लिया है मीडियम साइज का, बारीक चॉप कर लिया है, फाइनली चॉप यहाँ पे प्याज लिया है हमने और उसको आप सॉटे कर रहे हैं। आ चुके हैं आज हम मंडे को। मम्मी सबको लगता है ना संडे के बाद मंडे आता है तो अब क्या करें, तो मम्मी आ गई हैं अपनी शानदार रेसिपी लेके आपको बताने के लिए कि मंडे ब्लूज आप भूल जाएंगे। अपने घर वालों को खिलाइए ये टेस्टी खाना जब वो आज वापस आए स्कूल से या फिर ऑफिस से, मजा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाइनली चॉप वो है, अब क्या करेंगे मम्मी? ये इधर अपन ने ये बैंगन रखे हैं, देखिए ये मैंने थोड़ा एक चम्मच तेल डाला। तो ये तो है मम्मी, पर पहले आप बताओ तो सही आपने बैंगन कौन सा लिया है? ये बैंगन ये वाला लिया, देखिए ये लिया, कोई सा भी ले सकते हैं आप, यदि ये अवेलेबल तो छोटा वाला भी ले सकते हैं। अच्छा तो ओके, मैंने ये पीसेस कट कर लिए लंबे लंबे। अच्छा गोल लंबे जैसे भी चाहे तो देखिए। और फिर आपने तेल में मम्मी? हाँ एक चम्मच तेल डाला उसमें सौटे कर लिए, गला लिए बैंगन। अच्छा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, देखिए बैंगन को गलने में ना 8 से 9 मिनट लगेंगे आपके आराम से। अब क्या करें मम्मी? इसमें तो प्याज जब तक भून रहा है मम्मी, हमें सरसों के तेल में करना है या नॉर्मल ऑयल में भी कर सकते हैं? नहीं ये नॉर्मल ऑयल में किया मैंने। अच्छा नॉर्मल ऑयल में। ओके तो देखिए यहाँ पर ना मम्मी मेथी मसाला बैंगन बना रही है आपके लिए। जी हाँ ये बैंगन लंबे वाले आप इससे क्या बनाते हैं बताइएगा, नहीं तो वो छोटे वाले भी यूज कर सकते हैं ना मम्मी? कर सकते हैं है ना, और उसको कट कर दें, उसको कट कर लीजिए। अच्छा तरह के बैंगन भरते वाले आते हैं। अच्छा अब आप देखो मम्मी छोटे भी आते हैं। अब मम्मी को स्माइल कराऊं, मम्मी की डबल स्माइल हो जाएगी। मम्मी कुर्ता बैंगनी कलर का हमने ब्लू कलर का इसलिए पहना है क्या कि बैंगन से थोड़ा मैच हो जाए है, बताओ ना मम्मी। देखो मम्मी स्माइल मैंने डबल कर दी, अगर आप ये क्वेश्चन जब भी उनसे पूछते हैं ना तो वो डबल हंसती हैं। अब क्या कर रहे हैं? इसमें मसाले डाल रही हूँ, सूखे मसाले करके, हल्दी पाउडर डाला है मैंने हाँ टीस्पून, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है वो डाल दीजिए, और ये जीरा पाउडर। तो देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मेथी मसाला बैंगन आपके लिए लेके आ रहे हैं। बैंगन का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ बैंगन का भरता है या आलू बैंगन, तो रोज रोज बोर हो जाते हैं घर वाले भी खा के, तो अब ये बनाइए आप मेथी मसाला बैंगन। अब ये टोमेटो प्यूरे लिए मैंने, 2 टमाटर की हाँ हाँ इसमें डाल दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर को कुक करेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये सिर्फ प्याज टमाटर की प्यूरी है जो हम आपको दिखा रहे हैं और कितनी अच्छी लग रही है, सरसों के तेल में बना रहे हैं। और क्या करेंगे मम्मी? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। कसूरी मेथी मेरी फेवरेट, ये चाट मसाला डाल रही हूँ, आप नोट कर लो कसूरी मेथी मम्मी का फेवरेट है। मैं ना एक Q&A करूंगी मम्मी और श्वेता के साथ, तो क्या होगा उसमें हम आपसे पूछेंगे कि मम्मी की फेवरेट सब्जियां कौन सी है, तो मैं रोज ना एक क्वेश्चन पर्सनलाइज क्वेश्चन मम्मी से पूछूंगी, मम्मी आप आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? मैं सब सब्जियां खाती हूं। नहीं एक सब्जी बताओ। नहीं सब खाती हूं। नहीं एक सब्जी बताओ फेवरेट कौन सी है? तो तुमको मालूम होना। नहीं मम्मी मुझे तो मालूम है, मालूम होना मम्मी आप बताओ ना, फिर Q&A में हम सबसे पूछेंगे। मैं इसमें नमक डाल रही हूं मम्मी, बताओ ना। नहीं मैं सब सब्जियां खाती हूं। एक सब्जी बतानी पड़ेगी आज, तो पूछ के ही रहूंगी मम्मी से, एक सब्जी बताओ मम्मी। सब्जी में जा ही नहीं रही जब तक आप बताओ। मुझे आलू मेथी की है सबसे ज्यादा पसंद। आलू मेथी की, जी हाँ आलू मेथी की मम्मी को सच में पसंद है, कभी भी खाने को रेडी रहती है। अब पता है क्या, इस पूरे हफ्ते ना मैं मम्मी से पूछूंगी, नेक्स्ट हफ्ते हम Q&A सेशन करेंगे और देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहता है। तो आप नोट करके लिख लीजिए, मम्मी की फेवरेट सब्जी है आलू मेथी, मम्मी का फेवरेट मसाला है कसूरी मेथी। ठीक है तो मेथी मेथी कॉमन है। मम्मी क्या डाला आपने अभी? कसूरी मेथी और सॉल्ट डाला है, चाट मसाला और चाट मसाला नमक सॉल्ट और कसूरी बनेगी तो अच्छा लगेगा बैंगन की सब्जी। हाँ। तो देखिए अगर आपको मेरी और मम्मी की नोकझोंक भी पसंद आती है ना तो वो भी जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, लाइक जरूर करिएगा। आप क्या करेंगे? अब ये मैंने हरी मेथी ली है फ्रेश मेथी, उसको मैंने वॉश कर लिया है। अच्छा आप देख रहे हो कसूरी मेथी आलू मेथी, इसलिए मम्मी अब मेथी मसाला बैंगन बना रही है क्योंकि मेथी मम्मी को बहुत पसंद है ना। हाँ नहीं मेथी बहुत फायदा करती है, हाँ चाहिए मेथी सीजन की। हाँ बिल्कुल सही कहा, सीजन में नहीं आती तो कसूरी मेथी खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और जैसे मम्मी का प्यार बहुत फायदा करता है ना वैसे ही मेथी भी बहुत हेल्दी रहती है, सेहतमंद रहती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा मम्मी का प्यार हमेशा अपने पास रखिए, मम्मी की डांट भी हमेशा रखिए, वो भी बहुत फायदा करती है और साथ में मेथी भी फायदा करती है।
और ये मैं बैंगन डाल रही हूँ इसमें। वाह कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमने बनाई है यहाँ पे। मतलब हमने तो क्या मम्मी ने बनाई है, मतलब धनिया पत्ता डाल दिया, मेथी मसाला, बैंगन। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, ऐसी रेसिपीज ना आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट से सिर्फ मसालदानी से कितना अच्छा लुक आ जाता है, और कोई और ऐसे बनाएगा भी नहीं। मम्मी सूखे मसाले है बस, वही जो मसालदानी। हाँ, जो मसालदानी में सूखे मसाले उनसे ही बना लिया है ना, उनसे बना लिया। हाँ तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आपका भी मन कर रहा है ना बैंगन खाने का, तो लाइक करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में।